आपको बता दें, हिंदू शास्त्र में हर किसी चीज के अलग अलग मतलब होते हैं। ऐसे ही मतलब एक छोटे से जीव छिपकली से भी है। अगर नए घर में प्रवेश करते समय गृहस्वामी को छिपकली मरी हुई या मिट्टी लगी हुई दिखाई दे दे, तो उस निवास में किसी को बड़ा रोग हो सकता है। ऐसे शकुन शास्त्र में लिखा गया है। आपको ये बता दें, इस अपशकुन से बचने के लिए आपको इसके बाद नए घर में पूजा पाठ करवाना होगा। आपको बता दें, अगर छिपकली समागम करते मिले तो किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है, और वो लड़ती दिखे तो किसी दूसरे से झगड़ा संभव है, और अलग होती दिखे तो किसी प्रियजन से पिछड़ने का दुख सहन करना पड़ सकता है। वैसे तो छिपकली अगर माथे पे गिरती है तो संपत्ति मिलने का संभावना भी आपके पास बढ़ सकता है। ऐसा बड़ा ही संयोग होता है, लेकिन अगर किसी की नाभि पर छिपकली गिर जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के कमर के बीच में छिपकली गिरे तो यह संकेत है कि आर्थिक लाभ मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति के दाहिनी भुजे पर छिपकली गिरे तो यह माना जाता है कि उसे बड़ा धन मिलने वाला है, लेकिन बाईं ओर छिपकली का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, और इससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।